हेलो बच्चों, हम लोग लाइव आ गए क्या? हाँ हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग लाइव आ गए। कैसे हैं, क्या हालचाल? जस्ट गिव मी अ मोमेंट। वे चेक कर लेते हैं चश्मा लगा के। हैं आई आई नहीं, क्या बोलते भाई लोग, एक सेकेंड, जस्ट गिव अ मोमेंट। तो हम लोग लाइव आ गए हैं ऐसा मेरे को लग रहा है। क्या बोलते भाई लोग, सही लग रहा है क्या मेरे को? आई एम गुड। हेलो गर्वित, हेलो। तो फाइनली वी आर लाइव राइट नाउ एंड गर्वित इज ऑल्सो विद अस। ग्रेट 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 ग्रेट। आई एम गुड बेटा, आई एम गुड। तो एक बार बच्चों जल्दी से इवेंट को प्लीज फटाफट शेयर कर दो सभी लोग। फटाफट बच्चों इवेंट को शेयर कर दिया जाए जिससे सभी लोग ज्वाइन कर लें। जो भी मेरे प्यारे बच्चे अभी ज्वाइन करना चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें और हम लोग अपने इस पूरी पढ़ाई को अच्छे से आगे बढ़ाते हैं। चलिए भाई, सो लेट्स स्टार्ट द इवेंट। और आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं बच्चों, मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट के अंदर हम लोग करेंगे ढेर सारी पढ़ाई। जल्दी से आइए करते हैं भाई। आज जब मॉक टेस्ट है वो मेंस प्लस एडवांस दोनों पर बेस्ड होगा। और सभी मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से जुड़ जाइए। और सबसे पहली चीज, अपना ध्यान बहुत रखें आप सभी लोग, क्योंकि इस समय कोरोना ही बहुत बुरी तरह से कुंडली मार के बैठ गया है। तो थोड़ा सा जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा बचें इस पर्टिकुलर कोरोना से। बच्चों बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, मतलब लिटरली जो मैं देख पा रहा हूँ वहाँ पर सिचुएशन लगातार ख़राब हो रही है। तो खैर अब ये तो कंफर्म ही हो जा रहा है कि चीज़ें डिले होने वाली ही हैं और सफिशियंटली डिले होने वाली हैं, ये तो दिखाई पड़ ही रहा है बच्चों। अब कितना ज़्यादा डिले होगा, क्या चीज़ें डिले होने वाली हैं, उसकी तैयारी और अपन बात करेंगे अभी। लेकिन आपको क्या लग रहा है, मतलब लग रहा है ना बच्चों कि बहुत ज्यादा, मतलब क्योंकि कई सारे बच्चे यहाँ पर यूपी और बिहार से भी जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र में हालत बहुत खराब है, यूपी में भी हालत बहुत खराब है। तो मेरे हिसाब से जो मेरी गट फीलिंग कह रही है, मुझे लग रहा है कि चीजें हो सकता है और ज्यादा खराब ना हो जाए। इसके लिए सिचुएशन अभी कंप्लीट लॉकडाउन की भी आएगी इस मई के महीने में। और तो जो एस्टिमेशन हम लोग कर रहे थे, काफी काफी सारी चीजें ये रेगुलराइज होंगी। तो आप सभी लोग, जो भी बच्चे, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा, कि शादियों का सीजन भी चल रहा है, आप सभी लोग, कई लोग शादी आदि भी जाने की कोशिश में लगे होंगे। तो मेरे हिसाब से जितना ज्यादा अवॉइड कर सके सब अवॉइड करें। आपकी पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 14 से 15 दिन अगर इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो काफी महत्वपूर्ण समय जो है वो आपका वेस्ट हो जाता है इन क्योर क्योर होने में। और मेंटली भी आप थोड़े से परेशान हो जाते हैं। तो आई वुड से कि मेंटली आप लोग परेशान ना हो, चीज़ें नॉर्मल ही रहें, उसके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन यही है कि आप जल्दी से जल्दी चीज़ों को क्लियर कर लें। राइट निश्चित सर, आप 100 सर, आप 120 पे 97 परसेंटाइल। निश्चय मैंने 120 पे 97 नहीं बोला था जहाँ तक मुझे याद है, लेकिन हो सकता है भाई। आप अभी टारगेट क्या रखना है, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि आपको क्या टारगेट कैसे रखे जाएं। और ये ऑब्वियस सी बात है कि आपने फरवरी और मार्च के अटेम्प्ट में ये देख लिया होगा और इस बात पर खुद भी अंदाजा लगा लिया होगा कि
कि टारगेट्स जो हैं वो अलग तरीके से वेरी कर जाते हैं, रिजल्ट भी अलग तरीके से वेरी कर जाते हैं। तो आप किसी एक चीज के ऊपर बहुत ज्यादा कमेंट नहीं कर सकते हैं कि ऐसा ही होने वाला है या ऐसा नहीं होने वाला है। तो मतलब ऐसा किसी भी चीज को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव मत होइएगा कि नहीं ऐसा ही होगा या ऐसा ही नहीं होगा। बहुत सारे आप मैंने एक शॉट डाला था जिसमें मैंने आपसे पूछा भी था कि यार आपको दो अटेम्प्ट देने हैं मई के बाद या एक अटेम्प्ट देना चाहते हैं, अप्रैल और मई मिला के एक अटेम्प्ट हो जाए या मई का ही एक अटेम्प्ट रहे। कई बच्चों से मैंने ये क्वेश्चन पूछा था और काफ़ी सारे बच्चों से जवाब जो मुझे मिला वो यही जवाब था कि सर दो अटेम्प्ट होने चाहिए। आप लोग भी सब लोग दो अटेम्प्ट चाहते हैं क्या? निश्चय। पहला मुझे एक बात बताओ कि दो अटेम्प्ट होने चाहिए कि एक अटेम्प्ट होना चाहिए, ये बताओ मुझे जरा। हाउ मेनी अटेम्प्ट्स डू यू वांट? जेई के, मेन के, अप्रैल और मई एक अटेम्प्ट या दोनों अटेम्प्ट अलग अलग होने चाहिए 15-20 दिन के गैप के साथ? क्या आप लोग चाहते हैं जल्दी से मुझे बताओ कमेंट करके, फटाफट कमेंट करके मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से बता दो क्या आप लोग चाहते हैं, जल्दी से बताओ भाई, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे भी सब एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि दो अटेम्प्ट होना, कई सारे लोग बोल रहे हैं कि दो अटेम्प्ट होंगे, कई सारे लोगों के मन में भी ये बात आ रही कि सर दो होने चाहिए या सर दो होने चाहिए, गर्मी भी बोल रहे हैं दो होने चाहिए दो होने चाहिए तो दो का दो अटेम्प्ट होने चाहिए का, ओके। तो ये जो दो अटेम्प्ट का सीन है ना, ये मन ही मन चाहत तो आप लोग सबकी बहुत ज्यादा हो रही है, कई सारे बच्चों जो बोलना भी नहीं चाह रहे, लेकिन ये बात फैक्ट है कि कई लोग चाह रहे हैं। लेकिन यार अगर नहीं भी होता है, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों, ये मेरा इंट्यूशन है, मेरी बातचीत है, ऐसा लग रहा है कि एक अटेम्प्ट होगा। मैं इसमें ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं आप लोगों के अगेंस्ट हूं, एक इंट्यूशन है, इसके लिए तैयार करना चाहता हूं आप लोगों की, अगर कभी ऐसा हो जाए कि एक ही अटेम्प्ट हो रहा है, तो आप कभी भी दो अटेम्प्ट को लेकर माइंड मेकअप करके मत चलिएगा। आप ये सोचिएगा कि आप जो होगा उसी में सब कुछ करना है, तो इसके हिसाब से तैयारी करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। मेरा नाम है शैलेंद्र मिश्रा, मैं एक आईटी ग्रेजुएट हूं जैसा कि आप सभी को पता है, और अक्षय बता रहे हैं कि एक अटेम्प्ट होना चाहिए, अतिशय गुड 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 गुड। तो रेडी फॉर वन, दो हो जाए तो अच्छा है, मतलब आपकी स्ट्रेटजी सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि यू शुड रेडी फॉर वन, मतलब आप लोगों को रेडी रहना है एक अटेम्प्ट के लिए कि अगर एक हो जाए तो हम परेशान नहीं होंगे, रेडी फॉर वन अटेम्प्ट। अब दो हो जाएंगे तो हमारी खुशकिस्मती है, हम अच्छे हैं, हमारा साथ अच्छा हो रहा है, कोशिश यही रहेगी। और अभी हम लोग भी ट्विटर पे गेम स्टार्ट करें जैसे मैंने बताया था, तो अभी हम लोग डालना स्टार्ट करेंगे, आप लोगों का सहयोग भी चाहिए होगा, तो आप सभी लोग सहयोग जरूर करिएगा इन सभी चीजों में, आपके साथ लिंक के साथ, तो आपका काम हो जाएगा। नहीं मैं समझ गया, चार अटेम्प्ट की फीस दी है, चौथे अटेम्प्ट की फीस का क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत सारे क्वेश्चन मन में है, हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चन है। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट के लिए एक फीस वापस करना, बैंक वाले को बोल के कि भैया जिनके चार चार फीस आई है उनकी एक एक फीस वापस कर दो, एक तो ये तरीका हो सकता है। अब वो फीस कैसे वापस ली जाएगी, क्या तरीके होंगे, क्योंकि सभी ने डायरेक्टली बैंक में पेमेंट नहीं किया, किसी ने चालान के थ्रू किया, किसी ने कैसे किया होगा। तो एक तो वो तरीका होगा कि बैंक से आप ले सकते होंगे जाके पैसा, और या दूसरा तरीका ये होगा कि वो लोग ऑर्गेनाइज करें। अब कौन सा इजी मेथड उनको क्या लगता है वो देखने वाली बात है। कोविड रजिस्ट्रेशन कब चालू होगा बेटा? कोविड का रजिस्ट्रेशन, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोविड का रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है, 28 तारीख आज है, आज से चालू हो रहा है, 29-30 में आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। जो भी बच्चे 18 से ऊपर है वो सब रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, और वैक्सीन जरूर लगा लीजिए, जरूर लगा लीजिए, क्योंकि इससे अनडाउटेडली इम्यूनिटी बढ़ रही है लोग को। ये नहीं कि ये नहीं होने देगा, होगा तो आराम से निकल जाएगा, सीरियस कंडीशन नहीं आने देगा। वैक्सीनेशन का फायदा सिर्फ इतना है कि आपको सीरियस कंडीशन पर लेके नहीं जाएगा, तो ये जनरल एडवांटेज है जो वैक्सीन का मिल रहा है। तो आप सही मेरे प्यारे बच्चे, जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगाया वो वैक्सीन लगाना स्टार्ट करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया वो सब्सक्रिप्शन लेना भी स्टार्ट करो, क्योंकि इसी से तो पढ़ाई करनी है। आगे के 3 से 4 महीने तो ब्लॉक हो गए, तो अब पढ़ाई तो हमको यहीं पर करनी। सबसे बेस्ट ऑप्शन जो मार्केट में अवेलेबल वो कौन सा है? अनअकैडमी। और अनअकैडमी सबसे बेस्ट कौन है? हम। तो अगर बहुत बेसिक सी बात की जाए तो हम लोग सब लोग की पूरी टीम जो आपको पढ़ा रही है, फटाफट आ जाओ, कोटा की हमारी पूरी टीम, न्यूक्लियस की टीम, वाइब्रेंट की टीम, सब लोग बहुत शानदार पढ़ा रहे हैं आप लोगों के लिए। बैचेस आ रहे हैं, 12 तारीख से न्यूक्लियस का बैच लॉन्च हो रहा है, एक अभी इवॉल्व इमर्ज आ चुके हैं, तो लगातार लाइनअप है बैचेस, लगातार बैचेस आ रहे हैं। आप फटाफट बिना देर किए, बिना किसी चीज को परेशान हुए फटाफट आ जाओ और अपने सब्सक्रिप्शन को लेके पढ़ाई को प्रारंभ करो। सब्सक्रिप्शन में अभी एडवांटेज चल रहा है, आप सभी को पता है, SM11 कोड। मेरे प्यारे बच्चों ये कोड आप लोगों को जरूर लगाना है भाई, नहीं लगाओगे तो मजा नहीं आएगा। तो डू नॉट
forget to use the code SM11 during your subscription. This is the most important thing. और एक साल का subscription अगर आप लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो 3 month का subscription आपको free मिलेगा. और अगर 2 month का लेते हैं, 2 years का लेते हैं, तो 4 month free मिलेगा. और ये एक limited time offer है, तो उसको ज्यादा डिले ना करें. 1 से 2 दिन में जो भी आपके पास समय लगे उसको फटाफट ले लीजिए. इवॉल्व बैच की बात की जाए, ये बैचेस हमारे हैं जो आ चुके हैं 2022 की तैयारी अगर मैं करना चाह रही हूँ. इवॉल्व बैच आ चुका है, इमर्ज आ चुका है, अर्ली एक्सेल बैच आ चुका है. तो ये सारे के सारे बैचेस बच्चों आपके लिए स्टार्ट हो चुके हैं. बिना देर किए, बिना लेट हुए, जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, आ जाइए और प्रारंभ कर दीजिए. इंडिया का सबसे बड़ा फ्री स्कॉलरशिप आपके सामने आ रहा है, दैट इज अकेडमी कॉम्बैट कंप्लीट क्रैक एंड कंकर. आपको 100% स्कॉलरशिप पाने का मौका है. टॉप 3 रैंकर्स आप पार्टिसिपेट करिए, लेकिन पार्टिसिपेशन से पहले आपसे पूछेगा कोड किसके थ्रू अनलॉक करना चाहेंगे. तो अनलॉकिंग कोड आपका फ्री कोड जो है वो क्या है, SM11. इसके थ्रू आप इसको अनलॉक करिए और आपको काम हो जाएगा. मार्क्स में आपको टारगेट हमेशा 200+ रखना चाहिए. अतिशय भी बोल रहे हैं, निश्चय पूछ रहे हैं, मार्क्स का टारगेट हमेशा 200+ रखो. कभी भी 200 के नीचे टारगेट लेके मत चलो, कभी भी. अगर आप 99% से ऊपर टारगेट लेके चल रहे हो तो आप 200+ को टारगेट करिए हमेशा. गलतियां होती हैं, चीजें होती हैं, आप 180 पे आके लटकोगे आके. अगर आप 180 टारगेट लेके चलोगे तो 170 पे आके लटकोगे आके. टारगेट 200-210 लेके चलिए, 200 पे टकिए, आपका 99% से ऊपर आएगा, ये कंफर्म है. लेकिन देखो अगेन, इस बार ऐसा बहुत सारी चीजें, आपको पता है कि मार्च में बहुत ऊपर नीचे हुआ है चीजें, तो मैं बहुत ज्यादा क्रिटिकली कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बट डिपेंड अपॉन योर अटेम्प्ट भी होता है. लेकिन यस, आपका टारगेट बेस्ड ऑन अ पेपर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप बेयर मिनिमम टारगेट आपको 200 लेके चलना है. अगर कुछ आसान हो जाए तो आप 210 को टारगेट करिए, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो आप 190 को टारगेट करिए. लेकिन बेंचमार्किंग अब आप 200 को लेके चलिए, ताकि आप 99% को आसानी से टच कर सके. ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. आसान फीचर आपके पास है, आप सभी को पता है सब चीजें. चलिए अब आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को. और पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों के लिए आ गया है स्टेशनरी वेव के ऊपर. स्टेशनरी वेव का फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से पूछेंगे, जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे बच्चे. सर कोविड रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है घर, बेटा ये सब वही मैं कह रहा हूं, अटेम्प्ट की बात है. निश्चय अगेन, आप 200 बेयर मिनिमम टारगेट आप लेके चलिए. पेपर टू पेपर बहुत सारी चीजें वेरी करेंगी. आपका पेपर अगर आसान है तो 210-220 की तरफ भी चले जाएगा. अगर जैसा पेपर होगा उसके हिसाब से आपने टारगेट को शिफ्ट करिए. लेकिन बेयर मिनिमम जो है, एवरेज टारगेट की बात की जाए कि सर कितना टारगेट रखना चाहिए, वो 200 है. ये टारगेट आप मेंटेन करिए और बाकी ऑब्वियसली बात, जब आसान पेपर होगा तो अपने टारगेट को आप लिफ्टअप कर सकते हैं. पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, जल्दी जल्दी से बताएंगे. स्टेशनरी वेव, ऑल द मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट इन द सेम फेज, ऑल द पार्टिकल इन टू कंसेक्यूटिव नोड्स एंड वाइब्रेट इन द सेम फेज. जल्दी से बताओ क्या होगा सही जवाब. मेरे प्यारे बच्चों, अरे धवन जी आ गए हैं, धवन जी का क्वेश्चन है. धवन जी, स्टेशनरी वेव मैकेनिक्स में आती है. द करेक्ट ऑप्शन इज बी, ऑल द पार्टिकल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स वाइब्रेट इन द सेम फेज. स्टैंडिंग वेव कैसी होती है? स्टैंडिंग वेव दो प्रोग्रेसिव वेव का समीशन है, ओवरलैपिंग है, सुपरपोजिशन है. व्हेन टू सेम वेव moving in opposite direction superimpose each other, they form a standing wave. वो एक standing wave को form करते हैं. और standing wave जब form होती है तो nodes बन जाते हैं. उस system के कुछ particles बिल्कुल रुक जाते हैं, जिनको नाम दिया जाता है node का, और कुछ particles move करते हैं जिनको नाम दिया जाता है anti-node का. तो अब इसका मोशन कैसा होता है? ये पार्टिकल्स हिलते ही नहीं अपनी जगह से, ये पार्टिकल अपनी जगह से हिलते ही नहीं, इनको बोलते हैं नोड एंड नोड. तो ये दो नोड के बीच के पार्टिकल एक साथ ऊपर जाते हैं, ये वाले नीचे की तरफ आते हैं, ये वाले ऊपर की तरफ जाते हैं. नोड से नोड के बीच के पार्टिकल्स का मोशन एक साथ एक फेज में होता है, अगले नोड का
पाई का फेज डिफरेंस, मतलब यहां के पार्टिकल्स और यहां के पार्टिकल के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है वो पाई का होता है। ये भी आपको याद रखना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, राइट? कोई दिक्कत वाली बात? चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एम्प्टी अर्थन पिचर इज कैप्ट अंडर वाटर टैप एंड स्टार्ट्स फिलिंग विद वाटर एज द टैप इज ओपन, द पिच ऑफ द साउंड प्रोड्यूस्ड। बहुत प्यारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक पिचर है, घड़ा है, एक पानी का जार है, इसके अंदर पानी भरना स्टार्ट होता है। अब जैसे जैसे पानी भरता जाएगा वैसे वैसे साउंड के साथ क्या होने वाला है ये पूछा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन और दिस इज रियली रियली ऑसम, मतलब ये दिमाग वालों का क्वेश्चन है, आईक्यू वालों का क्वेश्चन है। और आपको पता है कि शिवेंदु सर के क्वेश्चन आसान होते हैं, बिल्कुल आसान होते हैं लेकिन ट्रिकी होते हैं। ये वो छोटी सी ट्रिक है जो आपको देख के मजा आने वाला है प्यारे बच्चों। पानी भरता जाएगा, लेंथ घटती जाएगी, श्यांश धवन जी बता रहे हैं ए, बाकी कोई बताएगा मेरे प्यारे बच्चों? बहुत शानदार क्वेश्चन है बच्चों, लिटरली बहुत शानदार है, मजा आ जाएगा भाई, जल्दी से बताओ। लेंथ कम होती जाएगी, लेंथ कम होती जाएगी, लेंथ कम होती जाएगी एज द पिचर, जैसे 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 पिच बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लेंथ जो है वो कम होती चली जाएगी, और लेंथ अगर कम होती चली जाएगी तो फ्रीक्वेंसी के साथ क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। ही तो होता है कि नहीं होता? लैम्डा की वैल्यू छोटी होती चली जाएगी, लैम्डा छोटा हो गया तो अपने आप फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी। द फ्रीक्वेंसी विल कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी, गोज ऑन इंक्रीजिंग। अरे याद है बेटा, लैम्डा छोटा होता चला है, लेंथ कम हो रही है, वही सेम एयर कॉलम में आपका लेंथ कम हो जाएगा। प्रियांशी वेरी गुड, इंक्रीज, परफेक्ट बेटा, परफेक्ट बच्ची, परफेक्ट परफेक्ट, गोज ऑन इंक्रीज, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अगर याद दिला देंगे यार प्रियांशु, नेक्स्ट द मोर स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस इज सर्टेन। ये मैंने कई सारे क्वेश्चन कराए ऐसे। कितना होगा ये पूछा गया, वर्क डन। श्यांश तुम्हारे लेवल तो थोड़ा ऊपर है बेटा अभी। बेटा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैंने आपको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के बारे में समझाया था, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के बारे में समझाया था बच्चों, जल्दी से बताओ। जल्दी से कहेंगे भाई, जल्दी से याद करो बेटा। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होती थी, अगर कोई भी प्रोसेस थी PV की पावर A इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, अपने को नहीं पता क्या है, अपने को किसी प्रोसेस के बारे में नहीं पता, उन्होंने उसकी सर्टेन स्पेसिफिक हीट दे दी इसको, क्योंकि इससे हम लोगों ने डिफाइन किया था। जब हमने फर्स्ट लॉ को डिफाइन किया तो मैं थोड़ी सी हिंट आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, dQ बराबर dU प्लस dW, एंड फ्रॉम हियर वी डिफाइन जो dU होता है दैट इज R अपॉन गामा माइनस 1 इनटू n R, R इधर ही हो गया, n डेल्टा t। du का मतलब n cv डेल्टा t लिखते हैं, याद है बेटा, n cv डेल्टा t प्लस वर्क डन की बात करते थे तो pv की पावर a से हम लोग निकाला था कि वर्क डन की वैल्यू आई थी n r 1 माइनस a इनटू डेल्टा t एंड दिस इज कॉल्ड एज द वर्क डन, राइट? और इसी को हम लोग लिखते थे n c डेल्टा t अगर इसको स्पेसिफिक हीट बोल देते थे। तो दिस इज द डेफिनेशन दैट वी हैव डिफाइंड फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है अच्छे से तो ध्यान से देख लीजिए। तो यहां से अगर हम बात करें तो दिस फॉर्म डिफाइंड एज अ वर्क डन एंड दिस डिफाइंड एज द इंटरनल एनर्जी का चेंज एंड दिस इज डिफाइंड एज द टोटल एनर्जी।
तो अगर मेरे से यहाँ पर वर्क डन पूछा गया है एंड डेल्टा टी इज गिवन, तो वी कैन से इट इज सिंपली इक्वल टू डी क्यू माइनस डी यू, यही तो हो जाएगा। तो अगर मुझे वर्क डन को लिखना होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं लिख सकता हूं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू बाय फर्स्ट लॉ डी क्यू माइनस डी यू और डी क्यू माइनस डी यू। अब आपके सामने सारी इक्वेशन लिखी हुई है, जल्दी से मेरे सभी प्यारे बच्चे जल्दी से बता दो क्या होगा सही वाला जवाब। हो गया क्या, दिखाई पड़ गया मेरे प्यारे बच्चों को? एक्सपेक्टेड डेट मैंने जो बताई है मैं अभी उस पर कायम हूं। जो मैंने अपने शॉर्ट्स में आपको डेट बताई है मैं अभी पूरी तरीके से उस पर कायम हूं। जो इस बार जेई मेन एग्जाम होगा वो एंड ऑफ जून में होगा, लगभग 22 से 23 जून को एग्जाम आपका स्टार्ट होने वाला है, या 20 जून ऐसा ही कुछ रहेगा, 20 से 22 जून के लगभग एग्जाम स्टार्ट होगा, 25 जून तक आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा। दिस इज योर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ जेई मेन, और मेरा अंदाजा ये कहता है कि अप्रैल और मई का अटेम्प्ट एक साथ होगा, बुरा मत मानो लेकिन ऐसा मुझे लगता है क्योंकि मेरी जो बातचीत हुई मैं उस पर बता रहा हूं। हो सकता है कि ना भी हो, एक अटेम्प्ट जून में हो जाए और एक अटेम्प्ट बोर्ड के बाद, क्योंकि एक्चुअली दो कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं यहां पर। मैं आपको बताऊं कॉम्प्लिकेशन क्या हो रहा है। सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन जो हो रहा है बच्चों वो ये है, क्योंकि मेंस के रिजल्ट देने होंगे, मेंस के रिजल्ट देना, एडवांस के लिए क्लैरिफिकेशन देना, उसमें इनको समय लग जाता है, 20-25 दिन का समय तो लग ही जाएगा। और वो ये सोचना इस बात के लिए भी बेहतर है ये ऑप्शन, मतलब एक्चुअली जो मेरी बात है वो बता देता हूँ। एजुकेशन मिनिस्ट्री से जो भी आपको समझ में आता है, एजुकेशन मिनिस्ट्री क्या सोच रही है कि यार देखो मेंस का अटेम्प्ट होगा, बच्चे के पास 15-20 दिन का समय भी बचेगा, अब उस समय पर हमारे पास एक स्कोप है कि हम बोर्ड एग्जामिनेशन करा लेते हैं, महीने भर का बोर्ड एग्जामिनेशन हो जाएगा, उस दौर के बाद मेंस का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा और उसके बाद आप जे एडवांस एग्जाम करा लो। तो उससे फायदा ये हो गया कि बच्चों का सेशन बहुत ज्यादा डिले नहीं हुआ, कंटिन्यूएशन में एग्जाम हो गए और उनके सारे के सारे एग्जाम 1 से 2 महीने के, 1.5 महीने के अंदर सारे एग्जाम खत्म हो गए, बच्चे भी फ्री हो जाएंगे और वो अपने नेक्स्ट सेशन की तैयारी में घुस जाएंगे। तो एक तो ये सबसे बेहतर तरीका दिखाई पड़ता है जिसमें बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा लोड लॉन्ग टर्म तक नहीं चल रहा है, 1 से 1.5 महीने के अंदर बच्चे का पूरा काम हो गया, नेक्स्ट सेशन स्टार्ट भी हो गया। अब अगर 1 जून को करते हैं फिर बोर्ड एग्जाम आते हैं, बोर्ड के बाद आपके फिर दूसरा मेंस का अटेम्प्ट होता है, फिर 15-20 दिन का फिर गैप होता है, फिर आपका मेंस का रिजल्ट आता है, फिर आप जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई होते हैं, फिर आप एडवांस में जाते हैं, एडवांस का एग्जाम देते हैं, फिर 15-20 दिन बाद एडवांस का रिजल्ट निकल के आता है और फिर आपकी काउंसलिंग होती है, फिर आपके काउंसलिंग के बाद आपका गेम आगे बढ़ता है। तो इस तरीके से आपका जो स्ट्रेच है वो काफी लंबा हो जाएगा और ये थोड़ा सा पैनिक भी हो सकता है। इसलिए ये जो टाइम है, इस टाइम गैप को थोड़ा सही करने के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन को बफरिंग के समय पर लाने की कोशिश की जाती है। तो हो सकता है कि मेंस के बाद का जो पूरा प्रोसेस है, मेंस अगर बोर्ड के पहले निपटा देते हैं तो पूरे 4 के 4 अटेम्प्ट का रिजल्ट कंपाइल करने का समय अच्छा मिल जाएगा और उस बोर्ड के दौरान आपका रिजल्ट अच्छे से बन भी जाएगा, तो वो आपको एक बेहतर आउटपुट भी दे देगा बच्चों और आपको काफी बेहतर लगेगा। ठीक है प्रियम, थैंक यू बेटा। द मोर स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस इज सर्टेन थर्मल। अब यहां पर आपने देख लिया बेटा, तो अब डी क्यू क्या आपने बोला कि सर अल्फा डेल्टा टी है तो डी क्यू को निकाल सकते हैं, कहां से कहां तक बोला गया, टी नॉट से एन टी नॉट तक बोला गया, तो बहुत सिंपल सी चीज हो गई। ओके डी क्यू, तो डी क्यू बराबर हो गया एन, ये हो गया अल्फा अपॉन टी डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं कहां से, टी नॉट से एन टी नॉट के लिए, तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो n और अल्फा बाहर हो गया, दिस इज ln t एंड इट इज रिटन लाइक t नॉट टू n t नॉट, इसकी वैल्यू हो जाएगी n, ये नंबर ऑफ मोल्स है बेटा, ये कंफ्यूज मत होना, नंबर ऑफ मोल्स एक ही दिया गया, मोल स्पेसिफिक हीट व्हाट इज हीटिंग द गैस, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू शायद हम नहीं दी तो पहले की वैल्यू 1 ले लेंगे, आइडियल गैस नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए गए, तो ये नंबर ऑफ मोल वाला n है और ये n ये रेशियो वाला है, तो दोनों अलग अलग है, इसको कंबाइन मत करिएगा, मैं इसकी वैल्यू को 1 लिख देता हूं assuming that number of moles is 1, तो n डेल्टा t हो गया, तो n t0 upon t0,
यहाँ से ये कैंसिल हो गया, इट इज इक्वल टू अल्फा एल एन एन। तो ये तो पहला टर्म हो गया आपने का, बिल्कुल ठीक है। एक ये भी यहाँ पे भी आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, दो टर्म तो दिखाई पड़ेगा आपने का, इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। माइनस क्या करना है आपने का, डी यू करना है। डी यू बराबर क्या होता है आपने का, एन सी वी, नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे आपने का वन, आर अपॉन गाउ माइनस वन, डेल्टा टी कितना हो गया आपने बोला एन टी नॉट माइनस टी नॉट, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आप बोलेंगे ये आंसर आ जाएगा, करेक्ट आंसर विल बी बी। राइट मेरे प्यारे बच्चों, दिखाई पड़ता है। गौरव पूछो बेटा, क्या डाउट था? डाउट पूछो, डाउट पूछो, डाउट पूछो, डाउट पूछो, डाउट पूछो। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एयरक्राफ्ट फ्लाइज एट अ स्पीड v फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी एंड बैक इन टाइम t नॉट, सिटी बी इज टू द ईस्ट एंड सिटी ए टू एट अ डिस्टेंस d, द एयरक्राफ्ट टेक्स टाइम t1 फॉर द राउंड ट्रिप इफ विंड ब्लोज विद द स्पीड w अलोंग ab एंड टाइम t2 इफ विंड ब्लोज विद द सेम स्पीड परपेंडिकुलर टू ab, देन आपको बताना है। ये क्वेश्चन इरोडोव का क्वेश्चन है, इरोडो 1.11। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका लेवल बढ़ाऊंगा, ये मैं आपको बता देता हूं। शिवेंदु सर लेवल अपलिफ्ट करेंगे आपको, उस लाइक उसी उसमें घुसते रहोगे चीजें बेहतर नहीं होंगी, अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बेहतर चीजें निकल के आएंगी, मजा आने वाला है। गौरव डाउट पूछ रहे हैं, इफ वेलोसिटी फोर्स एंड टाइम आर फंडामेंटल क्वांटिटी देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शन में क्यू है और ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। गौरव व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज दो, ऐसे नहीं समझ में आएगा तुम्हारा पूरा क्वेश्चन, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज दो मुझे। गौरव सेंड मी द क्वेश्चन ऑन द व्हाट्सएप। रंजन चौधरी पूछ रहे हैं विच इज द गुड चैनल। बेटा हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं अच्छा पाने का, पढ़ो तो सही। अब ये क्वेश्चन अगर आपको किसी भी चैनल पर मिल जाए तो आप मेरे से बोल दीजिएगा सर आपसे अच्छे क्वेश्चन उस चैनल में मिल गए, किसी भी चैनल पर गारंटीड बोल रहा हूँ। कोई भी पर्सन आपको ये क्वेश्चन के साथ, मैं चैलेंज के साथ बात करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप कहीं उठा के देख लो, किसी भी चैनल के किसी भी मॉक टेस्ट में देख लीजिए, जिस लेवल के कंसेप्ट का यूज हम लोग करते हैं कि कोई किसी भी क्वेश्चन आपने अभी तक इतने क्वेश्चंस किए, पांच छह क्वेश्चन जो भी आपने किए, इनमें कहीं पर भी आपको कैलकुलेशन लंबी लगी, किसी भी क्वेश्चन आपको कैलकुलेशन लंबी लगी, हर क्वेश्चन छोटे छोटे थे लेकिन तब दिमाग वाले थे, आईक्यू लेवल अच्छा था। तो यहां पर जो मैं बात करता हूं, मेरे यहां पर जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको बहुत ज्यादा इनहेंसिंग होंगे, बहुत बेहतर होंगे। अवनीश जेई के अटेम्प्ट मोस्ट प्रोबेबली आप सभी की इच्छा है कि दो होने चाहिए, हमारे भी इच्छा है कि दो होने चाहिए, लेकिन दो की कैलकुलेशन अच्छी नहीं बैठ रही है, इसलिए मुझे लगता है कि एक होंगे। मैं आपको बहुत क्लियर, दो की कैलकुलेशन अच्छी नहीं बैठ रही इसलिए, ठीक है ना। गौरव बोल रहे हैं अच्छा गौरव कह रहे सर इरोडो का नाम सुनके डर जाते हैं, इरोडो का नाम सुनके लोग उसमें आते हैं कि यार अब देखना है क्या होने वाला है। इस क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, एक बार जल्दी से देखिएगा। एक ए है, एक सिटी ए है, एक सिटी बी है और एक प्लेन है। इरोडो में ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द फॉर्मेट ऑफ बोट, रिवर बोट प्रॉब्लम की तरीके से पूछा गया। यहां पर विंड और प्लेन प्रॉब्लम की तरह प्रॉब्लम को थोड़ा सा चेंज किया है, थोड़ा सा शिफ्ट किया है टुवर्ड्स अ डिफरेंट एंगल। ए से बी की तरफ जाता है, एयरक्राफ्ट फ्लाइज एट अ स्पीड बी फ्रॉम सिटी ए टू बी एंड बैक इन टाइम टी नॉट, आने और जाने का समय इसका टी नॉट है। सिटी बी इज टू ईस्ट ऑफ सिटी ए, ए के ईस्ट में सिटी बी है, मतलब ये डायरेक्शन जो है वो आपकी ईस्ट दिशा है, ठीक है। द एयरक्राफ्ट टेक्स टाइम टी वन फॉर द राउंड ट्रिप इफ विंड ब्लोज विद स्पीड डब्ल्यू अलोंग ए बी, अगर ये एक विंड यहां पर डब्ल्यू से ब्लो करती है तो इसको जाने और आने में राउंड ट्रिप में टी वन समय लगता है।
और अगर इफ द विंड इज ब्लोइंग परपेंडिकुलर टू द एबी देन इट टेक टाइम टी टू. अगर ये परपेंडिकुलर मूव करती तो उसको टी टू से टाइम लगता है. आपने कहा सर तीनों के क्वेश्चंस बना लेते हैं एज्यूमिंग दैट इनके बीच की डिस्टेंस जो है ये डी है. तो अगर बी स्पीड से गया तो जाना है और आना है तो बिल्कुल सिंपल है, कोई हवा नहीं चल रही है. तो सबसे पहले केस के लिए मतलब मैं बात कर रहा हूं इस टी नॉट समय की, तो टी नॉट की वैल्यू कितनी होगी? आपने कहा सर डी बाई बी से आया जाएगा और डी बाई बी से वापस आ जाएगा. मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, प्यारे बच्चों कोई दिक्कत वाली बात है क्या? ठीक है बेटा. सेकंड आ गया, आपने कहा सर डब्ल्यू हवा चलने लग गई, हवा चलने लग गई तो इसको आगे धक्का देगी, इसको धक्का देगी तो इसकी स्पीड बढ़ा देगी. तो जब ए से बी जा रहा होगा वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी, जब ए से बी जा रहा होगा तो वेलोसिटी हो जाएगी वी प्लस डब्ल्यू, और जब बी से ए वापस आ रहा होगा तो जब ये यहां से वापस टर्न लेगा और ये प्लेन यहां से वापस चलेगा तो अपन बोल सकते हैं कि जब ये प्लेन यहां से वैसे वापस आ रहा होगा तो वी कैन से कि ये हवा इसका विरोध करेगी तो ये v होगा और ये w ऊपर हो जाएगा. तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू द एयर, अगर हवा के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये माइनस w हो जाएगा. तो यहां से अगर हम बात करेंगे v माइनस w निकल के आ जाएगा. तो आपने कहा सर जाने में v प्लस w आने में v माइनस w, तो जो समय t1 लगा t1 की वैल्यू लिख सकते हैं d अपॉन v प्लस w प्लस d अपॉन v माइनस w. आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट और थर्ड केस की अब मैं बात करने जा रहा हूं. इस थर्ड केस को बहुत ध्यान से देखेंगे, इसके लिए मैं यहां पर थोड़ा सा रफ कर रहा हूं ताकि मैं आपको थर्ड केस को बिल्कुल प्रॉपरली समझ जा सकूं. मेरे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से देखना है. अब देखिएगा बेटा ए और ये है बी, हवा कैसी चली इसके परपेंडिकुलर, मतलब हवा विंड इसको आपको क्रॉस सेक्शन दिखा रहे डब्ल्यू से. अब हमारे पास जो प्लेन था वो कुछ ऐसे गया, अब प्लेन को एक्चुअली हवा धक्का देगी तो प्लेन की एक्चुअल स्पीड कुछ इधर की तरफ चली जाएगी. ध्यान सोचिएगा आप वेलोसिटी ऑफ जब नदी बहती है, याद करिएगा सोचिएगा बेटा रिवर बोट प्रॉब्लम सभी ने करी हुई है, सभी ने की हुई है. जब नदी आगे की तरफ बह रही होती है उसकी स्पीड कुछ आर है, अगर हमें ए से बी की तरफ पहुंचना होता है तो हम कुछ पीछे की तरफ चलते हैं ताकि नदी के बहाव के कारण हम आगे आ जाएंगे और इधर की तरफ पहुंच जाएंगे. बोलो ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? मेरे प्यारे बच्चों क्या ये बात याद आ रही है कि नहीं याद आ रही? मेरे बच्चों जल्दी से बताओगे भाई लोग ये याद आ रहा है? रिवर बोट प्रॉब्लम में हम लोगों ने ऐसा किया था? कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई शंका कोई आशंका हो तो जल्दी से बता दो. आपने कहा यस सर याद आ रहा है, थोड़ा पीछे चलते ताकि आगे. बिल्कुल पक्का? आपने कहा यस. तो अगर मैंने बोला कि भैया यहां पर भी हवा किधर चल रही, आपने कहा सर हवा ऐसे धक्का दे रही, तो ये जो प्लेन होगा ये कुछ इधर की तरफ चलने की कोशिश करेगा. द प्लेन विल मूव इन लिटिल बिट दिस डायरेक्शन सच दैट जब विंड का इफेक्ट उसके ऊपर आए, तो नेट स्पीड ये थीटा एंगल पे चलेगा वेलोसिटी ऑफ वी, तो इसकी नेट स्पीड इधर की तरफ हो जाए. तो मतलब वी प्लस दिस वेक्टर विल बिकम दिस वेक्टर. बोलो हाँ या ना? आपने कहा यस सर. यहां से हम बात करते थे बी इधर की तरफ होगी तो इधर वाला कंपोनेंट बी कॉस थीटा हो जाएगा एंड दिस कंपोनेंट बी साइन थीटा, इट मस्ट बी इक्वल टू डब्ल्यू. और यहां से हम लोग बोल देते थे कि अगर इसको विदाउट नो ड्रिफ्ट यहां से जाना है तो जितने से नदी आगे की तरफ बहा रही उतने स्पीड से पीछे की तरफ भागो, पीछे भागने की स्पीड बी साइन थीटा, नदी आगे ले जाने की स्पीड वी आर. अगर आप ना आगे जाना चाहते हैं ना पीछे जाना चाहते हैं, सीधे जाना चाहते हैं तो जिससे पीछे जा रहा है उसी से आगे जाओ, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाते थे. तो v sin थीटा बराबर w. यहां से हम लोग बात करते थे कि sin थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलते थे v by w. बोलो याद आ रहा है? तो अगर sin थीटा v by w हो जाएगा तो cos थीटा कितना हो जाएगा? आपने बोला sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस तो वही आएगा w, और बेस कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे w स्क्वायर माइनस v स्क्वायर. आप बोलेंगे v into under root of
तो जाने का समय भी अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर हो जाएगा यहां पर, प्लस आने का समय में भी अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस का डब्ल्यू स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस इज द टाइम टू मूव। देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्या क्वेश्चन दिखाई पड़ गया, क्या क्वेश्चन दिखाई पड़ गया, मैंने उल्टा लिख दिया था क्या? हर एक T1 T2 तीनों के तीनों टाइम आपको बिल्कुल क्लियर होते हैं बच्चे, तीनों के तीनों टाइम आपको क्लियर हो जाते हैं। तो वी स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, अब आपको देखना भैया कौन सबसे बड़ा है, कौन छोटा है और कौन सबसे छोटा है। यहां पर कितना हो गया, अब आपने यहां पर देखा, अब एक एक वैल्यू को कैलकुलेट कर देता हूं, यहां पर कितना आ गया आपने कहा सर देखो v माइनस w इधर जाएगा, v प्लस w इधर जाएगा, तो w से w कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बच गया 2, देखना बेटा v माइनस w, v प्लस w, w से w कैंसिल, तो 2dv अपॉन v स्क्वायर माइनस w स्क्वायर, सॉरी ध्यान से देख लीजिए, यहां पर बन जाएगा 2d v अपॉन v स्क्वायर माइनस w स्क्वायर, दिस इज T1। T2 कितना हो गया, आपने कहा 2d इंटू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस w स्क्वायर, और T0 कितना हो गया, आपने कहा 2d अपॉन v, सभी से 2d अपॉन b निकाल लीजिए, अंदर के कंपोनेंट को देख लीजिए, आंसर अपने आप चमकता हुआ दिखाई पड़ गया मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देख लीजिए। प्रूफ कर दो जल्दी से, अगर कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे तो मैं प्रूफ कर देता हूं। देखिएगा बच्चों फटाफट, T0 की वैल्यू आई है 2d अपॉन v, T1 की वैल्यू आई है 2dv अपॉन v स्क्वायर माइनस w स्क्वायर, और T2 की वैल्यू आ गई है 2d अपॉन अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस w स्क्वायर। आपसे पूछा गया कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि कैसे बताएं सर कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, मैंने कहा सबसे 2d अपॉन v बाहर निकालो, आपने कहा सर ये तो ऐसे लिखा, मैंने कहा इससे बाहर निकालो, आपने कहा सर इससे 2d अपॉन v अगर बाहर निकालेंगे तो यहां पर एक्सप्रेशन बचेगा v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर माइनस w स्क्वायर। देखो आप ये बी से भी कैसे को नहीं बन गया कि नहीं बन गया, ध्यान से देखो, गणित लगाना सीखो, गणित लगाना सीखो, मैथ को कैसे प्लस और माइनस से मैं सॉल्व कर रहा हूं, ये मेरे प्यारे बच्चों अपने कैलकुलेशन को फटाफट देख लीजिए जल्दी से। 2d अपॉन बी यहां पर हो गया, आपने बोला यस दिस इज 2d बाई बी, अगर मैं बी स्क्वायर को नीचे लेके जाऊंगा तो ये हो गया 1 अपॉन 1 माइनस डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बोलो हाँ या ना, आपने कहा बिल्कुल सही बात है, ये वैल्यूज 2d अपॉन बी, 1 नीचे वाली वैल्यू एक से छोटी हो रही है, मतलब ये ऑब्वियस सी बात हो गई कि T0 से बड़ा होगा ये, आपने कहा यस सर, नीचे वाले कंपेयर करते हैं, नीचे वाले कंपेयर करेंगे 2d अपॉन v बाहर निकाला, अंदर क्या बच गया, आपने कहा सर इसके अंदर बच गया अंडर रूट के अंदर v स्क्वायर माइनस w स्क्वायर, ऊपर हो गया v, आपने कहा इसको अंडर रूट के अंदर लेके चलेंगे तो अंडर रूट के अंदर ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, आपने कहा सर देखो ये बन जाएगी 2d अपॉन v * 1 माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस w का स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने सारी वैल्यूज लिखी हुई है, ये T0 है, ये T1 है, ये T2 है, एक से छोटी, और देखो यहां पर कितनी मैथमेटिक्स सप्लाई हो रही है, कितनी मैथमेटिक्स सप्लाई हो रही है, एक से छोटी वैल्यू का अंडर रूट होगा तो वैल्यू बढ़ती है, एक से छोटी वैल्यू का अंडर रूट करोगे तो वैल्यू बढ़ेगी, एक से छोटी वैल्यू 0.16 अंडर रूट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर इसका अंडर रूट कर देंगे तो 0.4 हो जाएगा, बढ़ गई वैल्यू, 0.4 का स्क्वायर कर दोगे तो 0.16 हो गया, मतलब वैल्यू छोटी हो गई, एक से छोटी वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो वैल्यू घटती है, एक से छोटी वैल्यू का अंडर रूट करोगे तो वैल्यू बढ़ती है। बोलो मेरे बच्चों याद है कि नहीं याद है वाली बात, कि ये बात समझ में आती है कि 0.16 का अंडर रूट किया तो 0.4 बन गया, वैल्यू इंक्रीज हुई, तो अगर यहां पर 1 माइनस डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एक से छोटी वैल्यू है, अंडर रूट करेंगे तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो इसका मतलब यहां पर नीचे की वैल्यू बड़ी हुई है तो ओवरऑल वैल्यू छोटी हो जाएगी, बोलो होगी कि नहीं होगी, आपने कहा यस सर यहां पर ओवरऑल वैल्यू छोटी हो जाएगी, इसका मतलब सबसे बड़ा T1, सबसे बड़ा T1, फिर T2 और फिर T0, एंड दिस इज द आंसर।
क्या नाम तुम्हारा? गौरव अभी बेटा ले रहे हैं, तुम्हारा क्वेश्चन भी ले रहे हैं। गौरव का क्वेश्चन भी चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करो फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। सारी बातें समझ में आ गई हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। हबल टेलीस्कोप इन ऑर्बिट ऑफ द अर्थ हैज 2.4 मीटर सर्कुलर अपर्चर। इसका सर्कुलर अपर्चर दे दिया 2.4 मीटर का। द टेलीस्कोप हैज इक्विपमेंट ऑफ डिटेक्टिंग अल्ट्रावायलेट लाइट। द मिनिमम एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट दैट द टेलीस्कोप कैन रिजॉल्व इन अल्ट्रावायलेट ऑफ वेवलेंथ 95 nm कितनी होगी, ये पूछा गया। ये खैर फॉर्मूला है, अगर आता होगा तो ही आता होगा, नहीं आता होगा तो मुश्किल हो जाएगा। देवेंद्र कह रहे थे आज गोटा वाले मूड में लग रहे हो। बहुत दिनों बाद ये मूड आता है कि हम कुछ ज्यादा डिफिकल्ट पढ़ाने की कोशिश करें। कई टाइम से ये मूड मेरा खराब हो जाता है बहुत बार तो। कोई क्वेश्चन पूछा गया है? बेटा हीट होगा, चार्ज नहीं हो सकता। चार्ज होता तो एम्पियर की वैल्यू चाहिए होती, इसमें किसी में एम्पियर नहीं है गौरव, तो ये हीट ही होगा राइट। इल्लजमती नॉन ये लाइन मैंने चुराई है विराट कोहली की वाइफ अनुष्का शर्मा जी से। ये स्टेटस मैंने उनके पास देखा था। अब इसका मतलब बड़ा ही खूबसूरत है, वैसे ऐसा नहीं है, बहुत खूबसूरत मतलब है। मतलब ऐसा हो जाता है कि किसी भी खराब आदमी को आप अपने ऊपर हावी ना होने दें, मतलब अपोज करें। अगर आपको लगता है कि कोई गलत इंसान आपके ऊपर हावी हो रहा है तो उसको हावी ना होने दें। तो डू नॉट लेट देम ओवरकम यू द रॉन्ग पीपल्स। कुल मिला के इसका बेसिकली मतलब ये होता है, इललेजिटिमनी नॉन कॉर्बोरेंडम। इट सिंपली मीन कि जो गंदे बच्चे हैं, गंदे नालायक लोग हैं, उनसे उनको अपने ऊपर हावी मत होने दो, बेसिक मतलब ठीक। अब यहां पर बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, जल्दी से एक बार देख लीजिए फटाफट, अगर आता है तो बता दीजिए, नहीं आता है तो मैं बता दूंगा। जो आपका फॉर्मूला होता है 1.22 लैम्डा बाय टी, और ये बेसिकली जेई मेन के लिए इंपॉर्टेंट है। दिस इज बेस्ड ऑन जेई मेन। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, सब वैल्यूज दी गई, लैम्डा की वैल्यू भी दी गई है, डायमीटर की वैल्यू भी आपको गिवन है, तो आप बस, आपको बस वैल्यूज को पुट करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, आंसर निकल के आ गया। नेक्स्ट पे आ रहा हूं। अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम ग्राउंड विद वेलोसिटी यू एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। It would be moving perpendicular to its initial direction of projection after time t equals to। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कई बार कराया है, कई बार कराया है बच्चों, मोस्ट प्रोबेबली आपसे होना भी चाहिए, नहीं हो रहा है तो बताइए। आंसर बताओ पहले, आंसर बताओ सभी लोग पहले इस क्वेश्चन। ये सिंपल है, बहुत सिंपल है, होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल 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 आसान, बिल्कुल आसान, बिल्कुल रद्दी, बिल्कुल आसान। अरे मेरे भाई, प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया यू स्पीड से, किसी स्पीड यू, किसी थीटा एंगल पे ऐसे फायर कर दिया गया। बोला कब परपेंडिकुलर होगा, तो ये वेलोसिटी कहीं पर परपेंडिकुलर हो रही होगी इस वेलोसिटी के। समय पूछा गया किस समय पर ऐसा होगा, व्हेन दिस वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी। तो किसी भी समय वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर कब होगी ये पूछा गया, जल्दी से बता दो।
मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आपको शब्द दिखाई पड़े परपेंडिकुलर, हमेशा दिमाग में आना चाहिए डॉट प्रोडक्ट। ये मैंने कई बार बच्चों को समझाया है कि व्हेनेवर यू थिंक ऑफ अ वर्ड डॉट परपेंडिकुलर, ये दो वेलोसिटीज कब परपेंडिकुलर होंगी, कब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन आपस में परपेंडिकुलर होंगे, व्हेन दिस इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन निकालना है। जहां पर भी आपको परपेंडिकुलर की बात की जाए, गौरव ने आंसर दे दिया, दोनों गौरव और गर्वित ने आंसर दे दिया है बी पार्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। डॉट पर ध्यान रखिए, इनिशियल वेलोसिटी u इनिशियल क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। आपने कहा बिल्कुल ठीक, किसी भी समय t पर वेलोसिटी कितनी होगी, आपने कहा सर हॉरिजॉन्टल कभी भी नहीं बदलती और जो वर्टिकल होती है वो u sin थीटा माइनस gt j हो जाएगी। आपने कहा कि आप चाहते हैं कि ये दोनों का डॉट परपेंडिकुलर हो जाए, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट को शून्य कर दीजिए, इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो i वाले i से मल्टीप्लाई हो गए, j वाले j से मल्टीप्लाई हो गए, u sin थीटा इनटू u sin थीटा माइनस gt हो गया, इट मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तभी तो वैल्यू भी जीरो आएगी, तो आप बोला सर यहाँ यू कॉस स्क्वायर थीटा, इधर यू साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो यहाँ पर यू स्क्वायर कॉमन हो गया, यहाँ पर बन गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस यू साइन थीटा इंटू जी टी, दैट इज इक्वल टू जीरो। और यहां से अगर आप बात करेंगे तो यू स्क्वायर से एक तो यू कैंसिल हो जाएगा एंड टी की जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज यू अपॉन जी साइन थीटा, एंड द करेक्ट आंसर इज सी पार्ट। ओहो, किसी भी बच्चे सभी ने बी दिया, बी कैसे आया मुझे नहीं समझ में आया, बी कैसे आ गया, टू यू साइन थीटा अपॉन जी, ये तो बेटा हो मैंने डायग्राम इसीलिए बनाया ताकि तुम लोग ये गलती मत करो। कई सारे बच्चों को ऐसा क्यों लगा कि भैया जब पार्टिकल ऐसे जाता है ऐसे आता है तो भैया जिस एंगल से जाता है उसी एंगल से टकराता है बेटा, ये थीटा एंगल सेम होता है, इनके बीच का एंगल क्या होगा मेरे बच्चों इसको देखो तो सही, इसका ये थीटा है, इनके बीच का एंगल 2 थीटा होगा। अगर 45 डिग्री से फेंक दोगे तब तो आपकी बात को समझ में आती भाई। अगर ये 2 थीटा होगा यू इनिशियल यू फाइनल के बीच में, अगर थीटा बराबर 45 डिग्री होगा तब आप देखेंगे बी और सी ऑप्शन एक ही है, ये सिर्फ तभी ट्रू है। आयुष दुबे पूछ रहे 40 ईयर्स के कौन कौन से सेक्शंस करने चाहिए, आयुष में तुम्हारी बात समझा नहीं बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ 40 ईयर्स पूछ रहे क्या, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसको बताइए। अ क्रिटिकल एंगल फॉर लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज मिनिमम फॉर द लाइट ऑफ वेवलेंथ, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको इजिली आना चाहिए और ऑब्वियसली बात आपको दिखाई पड़ता है या तो लैम्डा मैक्सिमम के करेस्पॉन्डिंग होगा या लैम्डा मिनिमम के करेस्पॉन्डिंग होगा। क्रिटिकल एंगल फॉर लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, ग्लास टू एयर के लिए मिनिमम एंगल क्या होगा, ये आपसे पूछा क्रिटिकल एंगल। बहुत आसान है मेरे प्यारे बच्चों, ये लिटरली IQ बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, क्वेश्चन में कुछ नहीं। क्रिटिकल एंगल आपको पता है जिस पर TIR होना स्टार्ट होता है, ग्लास से हवा में जाएगा, पूछा गया है किसके लिए होगा। अब आपने कहा, अब आपके दिमाग में आया कि सर लैम्डा, आपको पता है सर क्रिटिकल एंगल क्या होता है, मैंने कहा यार क्रिटिकल एंगल तो यही तो होता था कि जब लाइट किसी डेंसर मीडियम से किसी रेयरर मीडियम में जाती है तो किसी एक एंगल पर ये परपेंडिकुलर निकल जाती है, उस एंगल से अगर ज्यादा जाए तो रिफ्लेक्शन हो जाता है जिसको हम TIR कंडीशन बोलते हैं। आपने कहा यस, तो अगर इसका यहां का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स μ1 है या इधर का μ2 है जो भी आप लिख लीजिए, तो यहां पर हम लिख लेते हैं μ1 sin of theta c is equals to μ2 sin of sin of 90 degree, ये लिखते हैं बेटा हम, तो sin theta c जो क्रिटिकल एंगल होता है दैट इज μ2 अपॉन μ1, ये तो लिखते हैं हम, तो ये तो हवा में जा रही है तो ये तैयार हो गया, यहां पर आपका मीडियम है ग्लास,
तो ग्लास के मीडियम में आपको बताना है कि म्यू अगर ज्यादा होगा, अब क्योंकि लैम्डा से कंपैरिजन करना है तो कि जिसके लिए म्यू ज्यादा होगा उसके करेस्पॉन्डिंग आपको आंसर देना पड़ेगा। आयुष बेटा आपको कोशिश करनी चाहिए कि जितने भी ये वाले क्वेश्चन है, मतलब जे मेन टॉपिक, उनको तो आप पूरे के पूरे लगाइए, 100% लेवल पे पूरे के पूरे खत्म करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी सभी लोगों को आप जो 40 साल वाले हैं उनको आप कोशिश करें कि 2006 या 7 के टॉपिक को ज्यादा खींचने की कोशिश करें, 2006 के बाद। और मैं एक आपको याद हो तो कॉशी थ्योरम हम लोग पढ़ते थे, याद है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो होता था a प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर, याद आ रहा बेटा, जिसपे हम लोगों ने प्रिज्म के स्मॉल एंगल के करस्पॉन्डिंग पढ़ के आपको समझाया था कि डिस्पर्शन लाइट में क्यों होता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लैम्डा के लिए, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के लिए, डिफरेंट डिफरेंट लैम्डा के लिए आपका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो होता है वो ग्लास का अलग अलग होता है। और ये किसके द्वारा प्रूफ किया गया था? कॉशी थ्योरम इसको हम बोलते हैं। तो कॉशी ने बताया था कि म्यू बराबर ए प्लस बीटा अपॉन लैम्डा स्क्वायर, जिसका लैम्डा ज्यादा होता है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम होता है, जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम होगा मतलब देखो वाटर ग्लास का रिफ्रेक्टिव कम होगा तो थीटा सी अपना ज्यादा हो जाएगा, उसके करस्पॉन्डिंग आप कैलकुलेशन ध्यान से देख सकते हैं। क्या आवाज नहीं आ रही है क्या बच्चों? अब हमें क्या करना है बेटा, ध्यान से देख लीजिए, जल्दी समझ में आ गई बात पूरी की पूरी, सब कुछ सामने लिखा है। आपने कहा कि सर देखो मुझे मिनिमम चाहिए, क्या मिनिमम चाहिए? क्रिटिकल एंगल। अब आपने कहा कि सर देखो अगर मिनिमम चाहिए, मैं यहाँ पर आपकी वैल्यूज लिख देता हूँ, अगर आपको मिनिमम चाहिए तो हम बोल सकते हैं हमारे पास साइन थीटा सी की वैल्यू क्या होगी। आपने कहा ये तो हवा का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1 होता है अपॉन म्यू ऑफ ग्लास। आपने कहा सर इसको मिनिमाइज करना है मतलब इसको बढ़ाना है, आपने कहा यस इसको बढ़ाना है, अगर ये बढ़ाना है तो यहाँ लैम्डा क्या होगा? आपने बोला सर लैम्डा मिनिमम होगा, और लैम्डा मिनिमम होगा तो करेक्ट ऑप्शन डी हो गया, सिंपल साइन थीटा से। अब मैंने तो इसलिए इतना लंबा लिख के आपको समझाया कि ताकि आपके दिमाग में सारी चीजें हो जाए, नहीं तो आपको तो क्लियर जिसके दिमाग में था कि साइन थीटा सी की वैल्यू 1/μ होती है एयर में जाने के लिए, तो आपने कहा सर देखो इसको मिनिमाइज करना है, इसको बढ़ाना है, इसको बढ़ाना है तो इसको घटाना है, खत्म, मिनिमम कर दिया आपने, आंसर आ गया। राइट, नॉइज नहीं आ रही है क्या दिविक? हेलो, क्या आवाज अलग सी कुछ आ रही है बच्चों? क्या दिक्कत आ रही है? आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट, नॉइज का इशू है, नॉइज प्रॉपर नहीं है, बफर कर रही है नॉइज, आवाज अलग तरीके से आ रही है, क्या हो रहा है मुझे एक बार बताएंगे, इज इट क्लियर नाउ? क्लियर है गर्वित बता रहे हैं, क्या बाकी सभी बच्चों को भी क्लियर है? बच्चों बिट्टू कुमार तुम कैसे लिखे हो भैया? आ रहा नहीं सर, आ रहा है, चलो ठीक है गुड। तो ये तो हो गए बेसिक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अ थिन हॉलो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस सिल्वर्ड एट द बैक कन्वर्जेस अ बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एट अ डिस्टेंस 0.2 मीटर व्हेन फिल्ड विद वाटर म्यू इज इक्वल टू 4/3 द सेम विल बी कन्वर्ज एट अ डिस्टेंस ऑफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। थिन हॉलो खाली है, किसी भी चीज से भर सकते हैं, जो चाहो वो भरो उसके अंदर। हॉलो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस सिल्वर्ड एट द बैक, पिछवाड़े में उसको सिल्वर कर दिया गया, मिरर की तरह काम कर गया। अभी ये यहां हॉलो है मतलब यहां पर जो मटेरियल आप चाहे वो भर सकते हैं, अभी कुछ नहीं है। तो जब लाइट आई तो इसने इनको कन्वर्ज कर दिया एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर्स, 20 सेंटीमीटर आप बोल सकते हैं। अब अगर इसमें पानी भर दिया जाए तब कहां कन्वर्ज करेंगे ये पूछा है,
शिवम बोल रहे हैं एनटीए अभ्यास, एनटीए अभ्यास में क्या दिक्कत आ रही बच्चों, कोई दिक्कत है क्या एनटीए अभ्यास में? शिवम बेटा अब चलो जल्दी से इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से समझ लेते हैं, फटाफट आ जाओ। आपने कहा सर सेकंड केस में क्या हो गया, मैंने कहा पानी भर दिया। देख मेरे भाई, देख बच्चों, यहां पर वाटर आ गया एंड दिस इज कॉल्ड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर। अब यहां पर लेंस भी हो गया और ये मिरर भी हो गया। यहां से आपको ये पता चल गया कि इस मिरर की फोकल लेंथ जो है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो आपने कहा सर फोकल लेंथ हो गई 20 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया 40 सेंटीमीटर, क्योंकि मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो r by 2 होती है। आपने कहा सर रेडियस ऑफ कर्वेचर पता चल गया, आपने कहा बिल्कुल सही। अब ये यहां पर पानी भरा है तो यहां पर दो चीजें हो गई, मतलब दिस इज अ पार्ट ऑफ टू थिंग्स, एक लेंस हो गया और एक मिरर हो गया। याद आ रहा है सिल्वरिंग ऑफ लेंस की प्रॉब्लम हम लोग कैसे करते हैं? आपने कहा सर इन दोनों को हम जोड़ देते हैं और हम बोलते हैं कि 1/FM इज इक्वल टू, दोनों पावर ही ऐड करते हैं कि नहीं करते हैं? तो जो भी रे जाएगी वो लेंस से दो बार निकलेगी और मिरर से एक बार निकलेगी। मेरे प्यारे बच्चों याद आ रहा है 1/FL प्लस 1/FM माइनस का 1/FM मिरर की लेंस प्लस 1/FL। क्या सिल्वरिंग ऑफ लेंस याद है? मैं एक बार पूरा पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि मेरे सभी बच्चे जिनको ये कंसेप्ट थोड़ा सा भी मिस है वो पूरी तरीके से इस कंसेप्ट को एक बार देख लीजिए। जिनके पास सिल्वरिंग ऑफ लेंस के कंसेप्ट में कोई छोटी सी भी दिक्कत है, इसको हम बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ सिल्वरिंग ऑफ लेंस। जब भी किसी लेंस को सिल्वर किया जाता है बच्चों, तो इट हैज टू कॉम्बिनेशन, मतलब यहां पर एक लेंस हो गया और एक ये मिरर हो गया। जब भी कोई रे जाएगी, कोई भी रे गई, तो पहले इस मिरर ने अपने हिसाब से रे को बदला, फिर इसने बदला और फिर इसने अब बदला, तो टोटल इवेंट कितने हो गए? आपने कहा सर जो भी रे है वो दो बार लेंस से पास होगी और एक बार मिरर से टकराएगी, मतलब लेंस की पावर का उपयोग दो बार होगा और मिरर की पावर का उपयोग एक बार होगा। इसको हम बोल देते हैं, तो हम बोलते हैं नेट पावर। इस पूरे सिस्टम का जो नेट पावर हो गया वो किसके बराबर हो गया? आपने कहा 2 times पावर ऑफ द लेंस प्लस 1 times पावर ऑफ द मिरर, इसको हम बोलते हैं नेट पावर। पावर ऑफ द लेंस क्या होता है? आप बोल सकते हैं 2/1/ फोकल लेंथ प्लस पावर मिरर 1/FM माइनस साइन के साथ, क्योंकि मिरर की जो पावर होती है वो माइनस साइन से लगाई जाती है। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? आपने कहा सर कन्वेक्स लेंस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको पता है, एक ही कॉन्वेक्स, इसकी फोकल लेंथ कितनी होती है? आपने कहा सर 1/F इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/1/R1 माइनस 1/R2। वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना? 3/2 माइनस 1/1/R1 मतलब 1/40 माइनस ऑफ माइनस 1/40। याद आ रहा है बेटा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव दिशा में होगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव दिशा में होगा। इस वाले का जो सर्कल बनेगा इसका सेंटर इधर होगा, इस वाले का जो सेंटर बनेगा वो इधर की तरफ होगा। लाइन इधर की तरफ है तो इस तरफ पॉजिटिव होगा और पीछे की तरफ नेगेटिव होगा। तो R1 पॉजिटिव हो गया, R2 नेगेटिव हो गया, 1/40 माइनस ऑफ 1/40 हो गया, तो दिस विल बिकम 1/2 × 2/40। तो यहां से जो 1/ फोकल लेंथ आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 1/40 सेंटीमीटर। देखो मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई शंका, कोई आशंका हो तो जल्दी से देख लो, जल्दी से देख लो बच्चों, जल्दी से। सॉरी, इसका 4/3 दिया गया, माई मिस्टेक, और इसका 4/3 दिया, मैंने 3/2 लेके किया है तो 4/3 हो गया, राइट? तो 4/3 हो जाएगा, तो वहां पर जो हमारी वैल्यू आ गई थी, द वैल्यू बिकम एज 2/40 मतलब 1/20 थी, इंटू 1/30 कर देंगे तो वैल्यू विल बिकम 1/60, राइट? तो ये हो जाएगा 2 × 1/FL। अभी FL निकाल दिया था बच्चों, याद है ना, 1/FL, तो 4/3 माइनस 1 × 1/40 माइनस 1/40 विद अ माइनस, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो इट विल बी इक्वल टू 1/3 × 2/40, तो 1/20 तो 1/60 हो गया बेटा। ये यहां पर 1/60 लिख देंगे। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर कितनी हो गई? आपने कहा मिरर की फोकल लेंथ तो माइनस का 1/20 है, तो 1/-20, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/30 प्लस 1/20, तो 1/30 प्लस 1/20, आप दोनों को जोड़ देंगे तो 60/5 आ गया आंसर, 60/50। तो यहां से आपका जो फोकल लेंथ ऑफ द मिरर आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 60/5 12×60, तो इट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर विल बी सी ऑप्शन।
बच्चों हिंट पूरी की पूरी, देखिए बच्चों कैलकुलेशन क्योंकि थोड़ा सा तेज कर रहा हूँ, कैलकुलेशन इसलिए थोड़ी सी तेज है ताकि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा बता सकूँ। अगर एक ही क्वेश्चन में ज़्यादा देर लगा रहूँगा तो आपके पास कम क्वेश्चन हो पाएंगे। बिल्कुल सिंपल फार्मूला क्लियरली समझा दिया था, नहीं है तो पीछे, क्योंकि अभी मेरे पास वो स्क्रीन हट गई है, तो एक बार बैक करके वो फॉर्मूले को जरूर देख लीजिएगा। सिल्वरिंग ऑफ लेंस का सिंपल फॉर्मूला है, याद कर लो, कभी भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई शंका, कोई आशंका नहीं होगी, राइट। पैटर्न टू अटेम्प्ट टेस्ट इन एनटी अभ्यास, मतलब पैटर्न का किस तरीके का पैटर्न चाहते हैं बेटा अतिशय? पैटर्न ऑफ अटेम्प्टिंग आप टॉपिक वाइज पार्ट वाइज मैंने देखा नहीं कभी एनटी अभ्यास में किस तरीके के हैं, देखिएगा। जो भी आपका डाउट है अतिशय मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ शायद आपकी बात को पूरी तरीके से, फिर भेज दीजिएगा। एन एयर बबल इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल ग्लास पेपर वेट ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड रिफ्लेक्टिविटी 1.5। द बबल इज सीन थ्रू द नियरेस्ट सर्फेस, इट अपीयर्स एट अ डिस्टेंस वी फ्रॉम द सेंटर, देयरफॉर द वी इज एक हवा। बहुत सिंपल, एन एयर बबल सिचुएटेड डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल ग्लास पेपर वेट ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये रेडियस 5 सेंटीमीटर का है, ये यहां से एक एयर बबल है जो यहां से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, इसकी टोटल डिस्टेंस दे दी गई है 5 सेंटीमीटर। जब उसको इस सरफेस से देखा गया तो ये एयर बबल यहां से बी दूरी पर दिखाई पड़ा, इसकी इमेज जो थी वो बी दूरी पर बनी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका दे रखा है 1.5 और आपसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ वी। तो दिस इज द सिंपल क्वेश्चन ऑफ रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस। लेकिन एक ही बार है, लेंस नहीं है ये, तो सिंगल कर्व सरफेस पर रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो 1/b - 1/μ, जल्दी से करो, μ - 1 × μ - 1/r, जल्दी से देखो बेटा, आंसर बताओ भैया। हेलो येदा पिल्ली माधवी, हेलो, कैसे करते थे बेटा याद है? इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, यहां का 1.5, फॉर्मूला याद आ रहा है, रिफ्रैक्शन फ्रॉम द प्लेन सरफेस, μ2/v - μ1/u इज इक्वल्स टू μ2 - μ1/r। कुछ ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था, रिफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल कर्व्ड सरफेस। वैल्यूज पुट कर दीजिए, आंसर आ गया, बहुत आसान तो है यार। इट इज सिंपली म्यूटू की वैल्यू हो जाएगी 3/2 वी माइनस म्यू वन, कितना हो गया आपने बोला, सॉरी म्यू वन, एक सेकेंड, यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा तो देखो भैया यहाँ से रेज आएंगी, इसको दिखाई पड़ेगी, इसके आगे में घुसेगी, तो मीडियम इमेज जो है वो बेसिकली आनी कहाँ पर, बाहर की तरफ, मतलब वी जो है वो म्यू टू इज़ द मीडियम ऑफ द रिफ्रैक्टेड रेज, रिफ्रैक्टेड रेज बाहर की तरफ आने वाली बच्चों। तो ये गलती कई बार हो जाती है, यहाँ पर 1/b माइनस ऑब्जेक्ट कहाँ रखा आपने, कहा ऑब्जेक्ट की इंसिडेंट रेज जो है वो अंदर के मीडियम में हो रही है, तो अंदर के मीडियम मतलब 1.5, तो 1.5/ यहाँ पर सरफेस हो रहा है, यहाँ से रेज इंसिडेंट होंगी, तो इस दिशा को हम पॉजिटिव बोलेंगे, पीछे की दिशा को हम नेगेटिव बोल सकते हैं, तो दिस इज डिफाइंड एज माइनस, एंड डायरेक्शन यहां से कितनी दूरी पर हो जाएगा आप बोलेंगे 3 सेंटीमीटर पे, तो पॉइंट से डायरेक्शन होगी माइनस का 3, इट इज इक्वल्स टू μ2 - μ1, तो 1 - 1.5/ रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा हो गया, आपने कहा सर रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव हो जाएगा, दैट इज माइनस का 5 सेंटीमीटर। वैल्यूज आपके सामने आ गई हैं, तो यहां से आप लिख सकते हैं 1/v इज इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3/2 हो जाएगा बेटा, 3 से 3 कैंसिल, दिस इज 1/2, तो माइनस का 1/2 इधर चला गया,
यहाँ पर आप देखेंगे तो 1-1.5 अपॉन -5 है, तो -3/2 1/10 बचेगा, माइनस का 1/10 यहाँ पर हो गया। देखो बेटा ऊपर माइनस का 1/2, नीचे माइनस, कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 1/10 हो जाएगा। तो ओवरऑल वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे माइनस का 1/2 प्लस का 1/10, दोनों को जोड़ दीजिए, आपका आंसर निकल के आ गया। 1/2 को अगर आप देखेंगे तो 0.5 और 0.1 और कर देंगे, आपका आंसर निकल के आ गया। ध्यान से देखो भैया ये, लेकिन दूरी सेंटर से बतानी है तो 5 से माइनस जरूर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 5 से माइनस जरूर करेंगे। ध्यान से देख लीजिए, आंसर निकाल लीजिए जल्दी से। आ गया ये कितना आ गया, 1/V स्केल हो जाएगी, 5/2 दो 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 ऊपर 5, इट इज 5/2 विद अ माइनस साइन, तो पीछे की तरफ बन रहा होगा, मतलब सरफेस से 2.5 सेंटीमीटर पीछे, तो सेंटर से भी 2.5 सेंटीमीटर आ गया। तो करेक्ट आंसर विल बी सी, आंसर परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से बता दो। अ स्टूडेंट व्हाइल परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट ऑफ सोनोमीटर विद अ ब्रिजेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर missed out some of the observation, however he claimed that the three resonant frequency for a given tuning fork are 84, 140 and 224. ye nahi pata ki kaun se number ki hain, ye pata hai ki ye I zarur hain. The speed of the transverse wave on the wire, us wire par speed kya hogi transverse wave ki, ye batani hai, aur ye again bahut pyara question hai. रेशियो देखो बेटा इनका क्या आ रहा है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालने की कोशिश करिए, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये किस नंबर की है ये नहीं पता है, याद है ना। तुम लोग अच्छे क्वेश्चन से भागा मत करो यार बच्चों मेरे, तुम लोग अच्छे क्वेश्चन से लड़ा करो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना यार, तुम लोग क्यों टेंशन लेते हो इतनी सारी। जो लाइक वाइक कर दिया करो यार इवेंट को भी हमारे, कोई डिसलाइक, एक आदमी डिसलाइक ज़रूर कर देता है पता नहीं क्यों, क्या उसको बुरा लग रहा है भाई मुझे बता दो। हम सोचते हैं कि जीरो डिसलाइक रहे, आप लोग डिसलाइक, गुस्सा हो जाता भाई कोई। बताओ मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा सही जवाब इसका, अच्छा लाइक वाई मी, ओके गुड। ओहो तीन डिसलाइक कर दिए, इतने भयंकर गुस्सा हो गया, ओह माय गॉड ऐसा क्यों कर दिया भाई। चलो भाई जल्दी से अब स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को समझा देते हैं फटाफट, जल्दी से देखो, जल्दी से आ जाओ। 84 आपने कहा सर मुझे नहीं पता किस नंबर का है, लेकिन मुझे यह पता है कि जब वायर दोनों साइड से बंधा होता है तो इसमें जो पॉसिबिलिटीज होती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फिर सेकेंड हार्मोनिक, फिर थर्ड हार्मोनिक, फिर फोर्थ हार्मोनिक, इसी तरीके से बढ़ते चले जाते हैं। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करते थे तो अगर आपको याद हो तो हम लोग बोलते थे V अपॉन 2L, फिर सेकेंड हार्मोनिक होता था 2V अपॉन 2L, याद आ रहा है, फिर थर्ड होता था 3V अपॉन 2L, कुछ इसी तरीके से 1:2:3:4:5 के रेशियो में चलता चला जाता था। अरे मेरे प्यारे बच्चों याद आ रहा है,
आपने कहा सर हाँ बिल्कुल सही बात है, 1:2:3:5 के रेशियो में लगातार ये चीजें बढ़ती चली जाती हैं, लेकिन यहां पर अगर मैं देखूं तो हम बोल सकते हैं 84:140:224 आपने दिया, लेकिन आपको ये नहीं पता ये कौन से नंबर का है। आपने कहा सर अगर नंबर नहीं पता तो आपने कहा सर डिवाइड मारो, देखिए भाई जो सबसे इजी डिवीजर होगा उसी के करस्पॉन्डिंग होगा। आपने कहा सर इनको अगर मैं डिवाइड करूं तो किससे होगा डिवाइड, ध्यान से सोचिए और आंसर बताइए जरा एक बार किससे डिवाइड हो सकता है ये, सोचो मेरे भाई लोग इनका क्या होगा डिवीजर, तो सभी के साथ डिवाइड कर दें क्या रेशियो आएगा, इनको डिवाइड करो भैया। 14 से कुछ डिवाइड हो रहा है क्या, 14 6 24 6 84 140, तो 10 हो जाएगा ये, सॉरी अरे यार 14 का डिवाइड अगर इसमें भी कर देंगे तो लगभग 16 आ जाएगा, 14 × 14 = 84 तो 16 हो जाएगा, इसको एक बार 2 से भी डिवाइड हो जाएगा तो ये लगभग हो गया 3:5:8, यही तो रेशियो हो गया। तो अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होगी तो ये 3F जो होगा वो 84 के बराबर होगा, 5F जो होगा वो 140 के बराबर होगा। तो अगर हम यहां से देखना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि भैया 3F 84 के बराबर हो रहा है, तो अगर 5F - 3F करेंगे तो 2F के करेस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज मतलब सिंपल HCF की हम बात कर रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं देखूंगा तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, आपने कहा सर 28 आ गई, कहीं से भी निकाल लो आप, तो आपने कहा सर फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, आपने कहा सर बेसिक फ्रीक्वेंसी आ गई 28 हर्ट्ज। अगर फ्रीक्वेंसी 28 हर्ट्ज आ गई तो आपको पता है कि जो डिस्टेंस दी गई इनिशियल वो 80 सेंटीमीटर के बराबर है, मतलब लेंथ की वैल्यू आपको पता है, V आपको निकालना है, V इंटू 12 कर दीजिए तो 28 × 80/100 आप वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपका आंसर जो है बच्चों वो निकल के आ गया। जल्दी से देखो आंसर निकाल लो फटाफट आ गया, फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वाली आ गई तो 28 = V/2L, मल्टीप्लाई करो आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, 26 ये है अच्छा क्वेश्चन, ये है बढ़िया क्वेश्चन। फोर नहीं होगा गर्भित, आंसर इज सी, इसका पहले वाले का आंसर जो होगा वो सी पार्ट होगा, सी पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कर रिप्रेजेंट द स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। बिल्कुल सिंपल शब्दों का अगर हेर फेर ना समझा जाए तो एक लाइन का आंसर है ये, इट इज सिंपली वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। सबसे ज्यादा एनर्जी जो एमिट करते हैं किसी एक पर्टिकुलर लैम्डा की होती है, याद करिए किसी भी टेम्परेचर पर लैम्डा मैक्सिमम जिस पर सबसे ज्यादा एनर्जी एमिट कर रहे होते हैं, राइट तो ये इसको हम बोलते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, और उसी के करेस्पॉन्डिंग इसको हम लोग डिफाइन भी करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई शंका, कोई आशंका जल्दी से बता दो। बच्चों ये हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्फीयर एंड अ क्यूब हैविंग इक्वल सरफेस एरिया आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल, द टू आर हीटेड टू द सेम टेम्परेचर, केप्ट इन आइडेंटिकल सराउंडिंग, द रेशियो ऑफ देयर इनिशियल रेट्स ऑफ कूलिंग, उनका इनिशियल रेट ऑफ कूलिंग का रेट क्या होगा, ये पूछा गया है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। जल्दी से बताओ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का बढ़िया क्वेश्चन,
What is the correct answer for this one? ठीक है, स्फीयर एंड अ क्यूब हैविंग अ इक्वल सरफेस एरिया आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल. क्या दिया गया है? इक्वल सरफेस एरिया है, दोनों का सरफेस एरिया इक्वल है, मटेरियल सेम है, टू आर हीटेड टू द सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर भी सेम है मेरे बच्चों, टेम्परेचर भी सेम है. एक इसका टेम्परेचर टी और एक क्यूब है, इसका टेम्परेचर भी टी, और दोनों का सरफेस एरिया भी सेम दे दिया गया, ये भी आपको गिवन है. हीटेड टू द सेम टेम्परेचर टी एंड द कैप इन आइडेंटिकल सराउंडिंग, इनकी सराउंडिंग भी जो है वो भी सेम है, बाहर का टेम्परेचर भी टी नॉट है. अब पूछा गया है द रेशियो ऑफ देयर रेट्स ऑफ कूलिंग, उनका रेट ऑफ कूलिंग कितना होगा. याद रखिए रेट ऑफ कूलिंग मतलब रेट ऑफ टेम्परेचर लॉस कितना हो रहा है, टेम्परेचर किस रेट से गिर रहा होगा, ये आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये. शिवम ने आंसर दे दिया है डी, दैट इज अ परफेक्ट ऑप्शन, दैट इज अ परफेक्ट बच्चे, वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज डी. जिस भी बच्चे ने दिया इसका परफेक्ट सही है. अब देखो कैसे हम बात करने वाले, सर्फेस एरिया सेम है, क्या सेम है बच्चों, यहां पर सर्फेस एरिया सेम है. स्फीयर का सर्फेस एरिया कितना होता है, 4πr², स्फीयर का सर्फेस एरिया कितना होता है बच्चों, 4πr², और इसका जो सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा, आपने कहा सर इसकी रेडियस आर मान लें और इसका साइड ए मान लें, तो अपन बोल सकते हैं कि 4πr² क्यूब है, तो इसका ए स्क्वायर कितने, 6, तो इट इज इक्वल टू 6a², बोले यही हो गया कि नहीं हो गया. तो यहां से अगर मैं रेडियस की बात करता और तो यहां से ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर, तो रेडियस इज इक्वल टू 3/2π (a²). यही तो इनके बीच का रिलेशन आ गया, रेडियस और ए के बीच का, आपने कहा बिल्कुल सही है. अब रेट ऑफ हीट लॉस की बात करें तो मैं लिख सकता हूं dQ/dt, मेरे प्यारे बच्चों dQ/dt, स्टीफेंस कांस्टेंट सिग्मा इनटू एमिसिविटी ई इनटू सरफेस एरिया, आपने कहा दोनों का सेम, इनटू टेम्परेचर टी की पावर 4, बोले यही होगा कि नहीं होगा. इट इज इक्वल्स टू ms/dt, यही तो रेट ऑफ कूलिंग को डिफाइन करेगा, जितनी हीट निकली उसी से वो कूल डाउन हो जाएगा, तो जितना मास होगा उसके करेस्पॉन्डिंग बात करेंगे. तो यहां से अगर मैं लिखूंगा तो मैं बोलूंगा सर दोनों से निकलने वाली हीट ये तो फिक्स हो गई, लेकिन दोनों का मास जो होगा वो अलग अलग होगा, तो रेट ऑफ कूलिंग जो होगा उनके मासस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा. तो 1/m2/m1, रेडियस का रेशियो पता है, सेम मटेरियल से बने हैं, तो इनके मासेस का रेशियो कितना हो गया, आपने बोला m1/m2, पहले वाले का मास अगर मैं इसको बात करूं तो मैं लिख सकता हूं इट इज 4/3πr³(σ)(ρ), जो भी डेंसिटी है. नीचे वाले किसका हो जाएगा, a³(ρ), रो से रो कैंसिल हो गया, मासेस का रेशियो आ गया 4/3πr³/a³. r/a का रेशियो √3/2π, वैल्यू पुट करिए, आंसर निकालिए फटाफट, काम हो गया भैया. क्या मेरे प्यारे बच्चों को सारी कहानी समझ में आती है, ये रेट ऑफ हीट लॉस दोनों का इक्वल है, इसको रेट ऑफ हीट लॉस बोलते हैं. dQ/dt इज द रेट ऑफ हीट लॉस एंड dT/dt ये रेट ऑफ टेम्परेचर लॉस है, इसको बोला जाता है रेट ऑफ कूलिंग एंड इट इज कॉल्ड एज द रेट ऑफ कूलिंग. इसका आप सभी प्यारे बच्चों दिमाग में रखोगे, जल्दी से सेशन को लाइक करो, सब्सक्राइब करो फटाफट, अभी तक आपने अनअकैडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये लिखा है मेरा कोड, जल्दी से सब्सक्राइब कर डालो, SM11 से 10% डिस्काउंट मिलेगा और साथ ही साथ मेरी मेंटरशिप मिलेगी, मेरे साथ जुड़ोगे, मेरे साथ जुड़ने का मौका मिलेगा और हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से इस अपने सफ़र को आगे की तरफ बढ़ाएंगे. क्या बोलते हैं लोग भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई शंका, कोई आशंका? बच्चों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जे एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से रेट ऑफ कूलिंग और हीट लॉस, इसका डिफरेंस समझना इंपॉर्टेंट है. दिस इज कॉल्ड एज रेट ऑफ कूलिंग का मतलब dT/dt, टेम्परेचर किस रेट से गिर रहा है, मतलब यहां पर मास इनवर्स में डिवाइड होने वाला है, मास इनवर्स में डिवाइड होगा मतलब रेट ऑफ हीट लॉस होगा मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ये याद रखना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बात एकदम क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं, जल्दी से लास्ट क्वेश्चन होमवर्क के लिए कर लो, 28th ये होमवर्क है आपका, इसको जल्दी से लिख लीजिए, डिफ्रैक्शन का होमवर्क है, दिस इज द केस ऑफ होमवर्क,
जल्दी से करिए और आंसर बताइएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।